तो दोस्तों आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की एक आइसक्रीम की रेसिपी, जो मैं आपको घर पर रखे हुए कुछ ही सामान से बना करके दिखाऊंगी। देखो आपको दो वीडियो दिख रहे हैं ना, एक में मैंने कुल्फी के टेक्सचर की आइसक्रीम बनाई है और दूसरे में मैंने जो मुंह में घुल जाती है ना, मार्केट से जो अमूल के डिब्बे या फैमिली पैक लेकर के आते हैं ना, मुँह में डालते ही साथ एकदम से वो मेल्ट हो जाती है, उसमें कोई बर्फ़ का क्रिस्टल नहीं होता है, उस तरह की मैं आपको आइसक्रीम बना के करके दिखाऊंगी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आइसक्रीम के और भी चीज़ों के वीडियो शेयर कर सकूँ। तो चलिए हम बनाते हैं अपनी आइसक्रीम। वेलकम टू माई चैनल, कुछ अच्छा बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं रसोई की और बनाते हैं कुछ अच्छा सा। तो देखिए यहाँ ले लिया है मैंने पूरा 1 लीटर दूध, ये हमारा उबला हुआ दूध है, पहले मैंने इसे उबाल लिया था। तो इसमें देखिए इस तरह से मलाई हुई है, तो हम इसको गरम कर करके इसको 3/4 दूध कर लेंगे। इसको हम बॉइलिंग पे छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब दूसरी तरफ हमने अपनी दो बाउल में यहाँ पे 10 काजू ले लिए हैं मैंने, और ये 10 ले लिए हैं बादाम। इनमें हम डाल देंगे हॉट वाटर डाल देंगे दोनों में, ताकि ये अच्छे से गल भी जाएंगे फटाफट से 10 से 15 मिनट में ही, और जो ये हमारे बादाम के ऊपर छिकल है ना, ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम इसको साइड में रख देंगे। और ये ले लिया है मैंने पूरा आधा कटोरी के करीब, ये हमारा मावा है। आप चाहे तो मावा हल्के हाल बना सकते हैं, आप आधा लीटर दूध लीजिए। और मावा बनाना मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको अच्छे से दूध को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है, तो वो इस तरह की कंसिस्टेंसी में दूध हो जाएगा। तो आप मावा इंस्टेंट भी बना सकते हैं आधा लीटर दूध से, या 250 ग्राम दूध से आइसक्रीम बना रहे हैं उसमें। तो ये मैंने आधा कटोरी ले लिया है, आप अपने हिसाब से इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए ये बादाम हमारे एकदम से गलते गलते 10 मिनट के करीब हो गया है, तो इनको मैंने गर्म पानी में डाला था ना, तो इस तरह से हम करेंगे तो इनका सब एकदम से पूरा छिलका हट जाता है। देखिए तो इनको हम सबको बिल्कुल से छिलका हटा दें। इनका पानी मैंने निकाल दिया है, अब इसको हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में और हम इसको पहले पीस लेंगे। तो इसका पहले थोड़ा सा दरदरा सा मिक्सचर बनेगा। तो देखिए इस तरह से कुछ दरदरा मिक्सचर बन करके तैयार हो गया है। अब जो हमने दूध अपना बॉइल पे रखा था ना, उसी में से 1 चम्मच दूध हम निकाल लेंगे और इसमें डाल लेंगे, और एकदम से 1 से 1.5 चम्मच के करीब आप दूध डाल लें, और इसको हम बिल्कुल क्रीमी पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा बिल्कुल से क्रीमी पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। ये मेरा जार थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैंने 1 से 2 चम्मच के करीब इसमें दूध और ऐड कर दिया था। आपके पास अगर छोटा मिक्सी का जार हो ना, तो आप इसमें पीसेंगे तो फटाफट से ये एकदम क्रीमी मिक्सचर बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा दूध भी पकते पकते काफी कम हो गया है। देखिए हमने यहाँ तक इसमें दूध डाला था, ये करीबन आधे से थोड़ा सा ऊपर तक है। अब हम इसका क्या करेंगे, जो हमने ये मिक्सचर बनाया था ना, वो हम इसमें ये अपना जो काजू का और बादाम का मिक्सचर बनाया था, वो हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए जो काजू का मिक्स डाला है ना, अब हम इसको चलाते हुए पकाएंगे, तो हमारा दूध केवल 5 से 10 मिनट में ही एकदम से गाढ़ा हो जाएगा ये मिक्सचर डालते ही। तो अभी आप इसको छोड़िएगा मत, इसको चलाते हुए पकाइएगा, क्योंकि इसके नीचे लगने के चांसेस रहते हैं दूध के। ये हमारा मिक्सचर हो गया है, देखिए कितना गाढ़ा पकते पकते। अब हम इसी समय इसमें डाल देंगे जो हमने मावा रखा था, वो अपना मावा, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी समय डाल देंगे। ये मैंने ले लिया आधा कटोरी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो आप चीनी थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट में इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये चीनी हम ऐड करने के बाद, जो चीनी है ना, ये अपना पानी छोड़ेगी, तो हम इस मिक्सचर को 5 से 6 मिनट तक और पकाएंगे। तो देखिए अब आधी चम्मच के करीब डाल देंगे हम इसमें इलायची पाउडर, और बस हमारी ये आइसक्रीम तैयार है। ये जो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर है ना, ये तैयार है। हम फ्लेम को कर देंगे इसकी ऑफ और इसको एकदम से ठंडा हो जाने देंगे। यहाँ मैंने ले लिया है एक बाउल और पूरी एक कटोरी भर करके ले ली है मैंने ये क्रीम। ये क्रीम मैंने घर की मलाई से बनी हुई ली है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे हम केक के लिए क्रीम बनाते हैं ना, छन्नी से छान करके मलाई को, जो दूध को हम अच्छे से उबाल करके रात भर के लिए फ्रिज में रख देते हैं, तो उस पर एक मोटी सी मलाई बनती है जिससे हम मक्खन वगैरह निकालते हैं, तो ये वही मलाई है। तो इसको मैंने पूरा एक कटोरी भर करके छन्नी से छान छान करके निकाल लिया था, और ये बाउल को मैंने फ्रिज में रख दिया था एकदम से ठंडा होने के लिए। और अब हम पूरा इसको 1 मिनट तक अच्छे से बीट करेंगे, ताकि जो हमारी क्रीम है ना, वो एकदम से अच्छे से मिल जाए। फ्रीज़र में रख दी थी मैंने क्रीम, तो ये हल्की सी जमी हुई है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है ना। आप चाहें तो जो ये मैंने बाउल लिया है ना, इसके नीचे थोड़े से बर्फ के क्यूब्स भी रख सकते हैं, ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना, वो मेंटेन रहे।
तो हम इसको एक मिनट देखिए, बीट करते करते हो गया है, हल्की सी गाढ़ी हो गई है। अभी हमने मलाई से क्रीम बना रहे हैं तो इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें हम आइसिंग शुगर ऐड करेंगे 4 चम्मच के करीब। तो देखिए मैंने 4 चम्मच आइसिंग शुगर कर ऐड कर दिए। अब फिर से हम इसको 5 से 6 मिनट तक पूरा बीट करेंगे। ये प्रोसेस मैं आपको थोड़ा सा फास्ट स्पीड में दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर हम आपको पूरा वीडियो दिखाते ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैं आपको टाइमिंग बताती जा रही हूँ। पहले हमने 1 मिनट तक बीट किया था, अब हम पूरा 5 से 6 मिनट हाई स्पीड पर इसको अच्छे से बीट करेंगे, जब तक कि हमारी इसकी एकदम स्टिप पीक ना बनने लगे। स्टिप पीक मैं आपको बताऊंगी। देखिए अभी इसकी सॉफ्ट पीक बनी है, इस तरह से ये जो हम उसको उठाते हैं ना तो वो गिरने लगती है क्रीम। अब हम फिर से इसको बीट करेंगे अच्छे से, तो इसको पूरा बीट करने में हमें अच्छे से कम 10 से 12 मिनट या 15 मिनट तक भी लग सकते हैं। मेरी क्रीम अच्छी ठंडी थी इसलिए मैंने इसके नीचे बर्फ़ के क्यूब्स नहीं रखे हैं। अगर आपकी क्रीम ठंडी अगर अच्छे से ना हो तो आप इसके नीचे बर्फ़ के क्यूब्स ज़रूर रखें बाउल के नीचे। तो देखिए ये इसकी देखिए, अब आप देखिए एकदम से हम इस पर क्रीम को उठाते हैं ना तो जो ये ऊपर पीक सी चोटी सी बन रही है ना, नीचे गिरती नहीं है, तो मतलब हमारी क्रीम बन करके तैयार है। इसको चेक करने का एक और तरीका है, देखिए हमने बाउल को उल्टा किया है तो ये क्रीम गिरती नहीं है, मतलब हमारी क्रीम परफेक्ट बन करके तैयार है। तो देखिए जो मावा और दूध का हमने मिक्सचर बनाया था ना पका पका करके, ये भी मैंने ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दिया था, तो एकदम से ये ठंडा है। और इसको मिक्स को भी हम जितनी हमने क्रीम ली थी ना उतना ही हम मिक्स इसमें डाल देंगे और इसको अच्छा 2 से 3 मिनट तक अच्छे से एकदम क्रीमी टेक्सचर का होने तक बीट करेंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो, आप इसे मिक्सी से भी आराम से बना सकते हैं, तो आपको इसको मिक्सी से बनाते समय मिक्सी के जार को पहले अच्छे से फ्रिज में रख करके ठंडा करना है, उसके बाद आपको सेकेंड्स पे चला के मिक्सी को रुक रुक के चला करके आपको ये क्रीम तैयार करनी है, तो आपकी मिक्सी में भी आराम से बन करके तैयार हो जाएगी। आपको एकदम से स्पीड में मिक्सी को नहीं चलाना है, आराम आराम से चलाइएगा तो आपका इसी टाइप का मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो देखिए अब मैंने एक ले लिया है कांच का बाउल, आप चाहें तो प्लास्टिक के भी किसी एयर टाइट कंटेनर में या बॉक्स में जमा करके इसे रख सकते हैं। तो इसमें हम पूरा अपना मिक्सचर डाल देंगे। और ये ले लिया है मैंने सिल्वर फॉयल, तो इसको हम बिल्कुल से इसकी सतह से चिपकाते हुए इस तरह से देखिए मैंने पूरी सतह से चिपका दिए, ताकि जो आइस क्रिस्टल जमते हैं ना, बर्फ़ के जो क्रिस्टल जमते हैं वो इस पर ऊपर की सतह पर नहीं जम पाएंगे। और जो मार्केट की स्टाइल की अमूल की आइसक्रीम या कोई भी फैमिली पैक जो हम लेके आते हैं महंगे महंगे मार्केट के, उसी बिल्कुल टेक्सचर की बन करके तैयार होगी। और देखिए मैंने जो बचा हुआ मिक्सचर था ना दूध का, हमने वो भी मैं एक प्लास्टिक के कंटेनर में रख दूंगी। इसको भी हम पूरा 6 से 7 घंटे या पूरा ओवरनाइट आप इसको जमने के लिए फ्रीजर में छोड़ दें। तो मैं इसको पूरा ओवरनाइट, तो इसको भी हम देखिए सिल्वर फॉइल से जैसे मैंने उसको बिल्कुल सतह से चिपकाते हुए कवर किया था, इसको भी हम कवर कर देंगे और ऊपर से इसका लिड लगा देंगे और पूरा फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए इस आइसक्रीम को मैंने पूरा ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था, तो हमारी आइसक्रीम एकदम से माउथ मेल्टिंग बन करके तैयार है। इसकी सिल्वर फॉइल हम निकाल देंगे, तो देखिए इस पर बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं समझ में आ रहा, एकदम से सॉफ्ट, मैं उंगली से छू रही हूँ ना तो एकदम से सॉफ्ट बन करके तैयार हुई है। और मैंने ले ली इस तरह से एक स्टील की चम्मच, जो हर किसी के घर में होती है क्योंकि स्कूपर हर किसी के यहाँ अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं आपको नॉर्मल चम्मच से भी निकाल के दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी हमारे आइसक्रीम के एकदम से रोल्स निकल करके तैयार होते हैं, जैसे मार्केट में हमको मिलती है ना एकदम से क्रीमी टेक्सचर के रोल्स बने हुए, सेम उसी टाइप के देखिए। और बिल्कुल भी इसमें निकालते समय आइस क्रिस्टल की आवाज़ नहीं आ रही, और अगर इसमें आइस जमी होती अगर तो ये चम्मच से हमारी इतनी आसानी से निकलती भी नहीं। देखिए चम्मच में भी बिल्कुल नहीं लग रही है ना, तो मैंने चम्मच को गर्म पानी में डाला है, नॉर्मल चम्मच है, और देखिए कितने अच्छे स्कूप निकल करके तैयार हो रहे हैं। तो आप इस तरह से आप आइसक्रीम बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए, सब बिल्कुल इस आइसक्रीम को खाकर सभी कहेंगे कि बिल्कुल मार्केट के जैसे फैमिली पैक वगैरह लेकर के आते हैं ना, उस टाइप की आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। और थोड़ा सा मैं ड्राई फ्रूट से इसको इस तरह से थोड़ा सा सजा दूंगी, आप जैसे चाहें इसको अपने तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो जो हमने हमारा मिक्सचर दूध वाला बच गया था ना, जो हमने पका पका करके बनाया था ना, उसको मैंने एक इस तरह के प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दिया था ना, तो ये भी हमारी देखिए कितनी अच्छी जम करके तैयार हो गई है। हम थोड़ा सा जो नॉर्मल वाटर होता है ना उसमें इसको डिप कर देंगे, तो अभी वैसे गर्मी का मौसम है ना तो नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और हथेलियों से इस तरह से इसको थोड़ा सा रब करेंगे तो हथेलियाँ हमारी हल्की हल्की गर्म होती हैं, और नाइफ डाल करके इसको हम ट्विस्ट करके हल्के से देखिए ये हमारा पूरा आराम से निकल आया है। और हम थोड़ा सा इसको अपने ड्राई फ्रूट से, आप जैसे भी चाहें ड्राई फ्रूट से या जो भी तरीके से आप इसको सर्व करना चाहें उस तरीके से आप
सर्व कर सकते हैं। और मैं इसे चाकू से तिकोने आकारों में काट लूँगी। आप जैसे चाहे अपने तरीके से इसको कट कर सकते हैं और जितने चाहे उतने पीसेस में कट कर सकते हैं। और ये हमारी एकदम से मार्केट स्टाइल की उसी मिक्सचर से कुल्फी बन करके तैयार हुई है, एकदम से मुँह में घुल जाने वाली। इसमें भी बिल्कुल बर्फ़ के कोई भी क्रिस्टल नहीं है, जो आपके मुँह में बर्फ़ के बिल्कुल भी कोई क्रिस्टल नहीं आएंगे, एकदम से माउथ मेल्टिंग आइस हमारी ये कुल्फी बन करके तैयार हुई है। पास से मैं आपको इसको दिखाती हूँ, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो अगर आपको मेरी आइसक्रीम और कुल्फी की अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना और प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपने आइसक्रीम कब बनाई और आपको मेरी आइसक्रीम कैसी लगी बनाने पर। तो हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।